बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूअर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखें, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूअर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ बीए और बीकॉम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिसेंटली बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमारे एग्जाम होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, तो फिर किस तरह से लिए जाएंगे, फिजिकली लिए जाएंगे, ऑनलाइन लिए जाएंगे, टर्मिनल लिए जाएंगे या एंड टर्म असेसमेंट एग्जाम लिए जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग जो बच्चों ने मुझे कमेंट किए और क्वेश्चन किए, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से बच्चों को रिप्लाई दिया, फिर मैंने अपने जराये से इन्फॉर्मेशन ली। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनर की जानब से इन तलबा के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जो आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बनने जा रही है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी बात आपने अच्छे से समझनी है। खैर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर व्यूअर्स, तमाम तर स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, लाइक आके को भी पैसे नहीं लगने वाले, थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी। और खैर अभी तक आपने चैनल ब्रेन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ब्रेन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको क्लियर बताना चाहूं, यूनिवर्सिटी अपने फैसले में चेंजिंग मतलब कि तब्दीली भी बाद में कर सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस चीज का हक रखती है। यूनिवर्सिटी वाजे अनाउंस भी करती है, जब भी कोई एक अनाउंसमेंट होती है तो यूनिवर्सिटी वाजे कहती है कि अगर हमें मामला बिगड़ते हुए नजर आते हैं या कंडीशन सूरत को देखते हुए यूनिवर्सिटी अपने फैसले में तब्दीली भी लेके आ जाती है। जी हाँ बिल्कुल, अभी जो रिसेंटली बीए बीकॉम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं, रिसेंटली जो बड़ी अपडेट यहां पर आई है एग्जाम कंडक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस जो है आपके सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे वो आपके मतलब के हुए थे एंड टर्म असेसमेंट एग्जाम। एंड टर्म असेसमेंट एग्जाम कैसे हुए थे, मैंने आपको बताया था कि अजीज तलबा पहले ही बता दिया था कि आपके एग्जाम इस तरह से होने जा रहे हैं। बच्चों ने एग्जाम मतलब के एक क्वेश्चनिंग शीट जो थी वो यूनिवर्सिटी की जानब से आपके घर आपके एड्रेस पर आती थी या वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाती थी, वहां से आप डाउनलोड करते और घर बैठे जैसे आप बुक से असाइनमेंट्स लिख कर बनाते थे, वैसे आपने अपने माइंड से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था, बाय पोस्ट आपने जमा करवाना था। एक ये आपके लिए ऑप्शन है। ऑनलाइन आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, तो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे। आपके लिए एक ये पैटर्न है कि आपके एंटरम असेसमेंट एग्जाम होंगे और सेकंड आपको असाइनमेंट्स के नंबरों के मुताबिक आपके एग्जाम में मार्क्स लगाकर आपको प्रमोट कर दिया जाए। ये दो ऑप्शन हो गए। सेकंड, अगर हालात बेटर होते हैं, वैकेशन मजीद एक्सटेंड नहीं होती, तो फिर आपके फिजिकली एग्जाम लिए जाएंगे और जल्दी आपकी डेट शीट भी अनाउंस कर दी जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, रिसेंटली बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जो आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैंने आपको दी है। अपनी प्रिपेयरिंग जारी रखें और स्टडी करें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे साथ शेयर करें। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ।